यूपी के सीतापुर जिले के थाना रामपुर कला के गांव लक्ष्मीपुर में एक नाबालिग दलित लड़की को बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के मुताबिक शौच के लिए गई थी, तभी रात करीब 10 बजे आरोपी युवक उसे जबरन उठा ले गया और 3 घंटे तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। वहीं लोगों के आवागमन की आहट सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने जब पीड़िता को मौके पर देखा तो उनके होश फक और आनन फानन में पीड़िता को लेकर घर आए और सुबह थाने पर जाकर पूरे मामले की तहरीर दी। वहीं आरोप है कि पुलिस ने दुष्कर्म के स्थान पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया, जबकि लड़की और परिजनों के मीडिया को सूचित करने पर मुकदमा दुष्कर्म का दर्ज किया गया। वहीं आरोपी युवक थाने से कुछ ही दूरी पर ताड़ी का व्यवसाय करता है। फिलहाल पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है। धारा 354 SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें पीड़िता के बयानों के आधार पर दिनांक 25/12/2020 को मुकदमा उपरोक्त में 376 की व पॉक्सो एक्ट की वृद्धि करते हुए नामित अभियुक्त को आज दिनांक 25/12/2020 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सीतापुर से जनमत न्यूज के लिए अनूप पांडे की रिपोर्ट।